हाय फ्रेंड्स, मैं मेरा चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोग जैसा जानता है, मेरा ये वीडियो का टाइटल देख के अभी तक आपने समझ गया होगा कि मैं आज एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक स्टॉक बताने वाला हूँ जो आपको 1 मंथ या 3 मंथ या 4 मंथ तक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, ये स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं कल का वीडियो में जैसा बताया था, कल मैं इंट्राडे के लिए कॉल दे चुका हूँ, मंडे के लिए 3 अगस्त 2020 के लिए कॉल दे चुका हूँ। वो वीडियो को भी जरूर देखिए आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है तो। और कल वीडियो में जैसा मैं बताया था कि मैं वीकेंड में एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बताने वाला हूँ, तो आज का ये वीडियो में आप लोगों को मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक स्टॉक बताने वाला हूँ। तो ये स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टॉक में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है 1 to 4 मंथ का जो पीरियड है इसके अंदर। ये कोई इंट्राडे ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये जो स्टॉक है ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है जिसको आपको 1 मंथ या 4 मंथ तक आपको रख सकता है, आपको रखना पड़ेगा तभी आपको अच्छा रिटर्न दिखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं यही चीज बताऊंगा कि आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है तो ये चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको स्टॉक चाहिए तो तभी भी सब्सक्राइब कीजिए, और जो नया आदमी है उसके साथ ज्यादा के ज्यादा शेयर कीजिए। और एक अनाउंसमेंट है कि मैं एक फ्री ईबुक प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट का बहुत ही पॉपुलर ईबुक है। ईबुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये आप मार्केट से कहीं से भी खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये फ्री में मिल रहा है। ये वीडियो का जो फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्लिक कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री में डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, आप अच्छा कुछ नॉलेज गेन कर पाएंगे, और जितना नॉलेज आप गेन करेंगे उतना ही ज्यादा अर्न कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अभी आप लोगों के साथ जो स्टॉक में बात शेयर करने वाला हूँ वो स्टॉक का कुछ फंडामेंटल्स, कुछ टेक्निकल्स, कुछ न्यूज लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। आपको स्क्रीन में टोटल दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा ये स्टॉक, और ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा तभी आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक में कितना पोटेंशियल है। तो स्टॉक का जो नाम है मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले आप लोगों को पूरा चीज समझा दूंगा, इसका टेक्निकल, इसका जो फंडामेंटल्स है। आपको कोई भी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के ले रहा है तो आपको फंडामेंटल्स जरूर चेक करना है। तो अभी चलते हैं हमारा स्क्रीन में, आपको स्क्रीन में पूरा देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन में जैसा दिख रहा है कि इसका जो क्वार्टर वन का रिजल्ट है ये निकल के आ चुका है, और इसका क्वार्टर रिजल्ट का जो रिजल्ट है क्वार्टर वन का, उसमें इसका जो प्रॉफिट है 81% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है पिछले क्वार्टर से। मतलब बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसमें आपका जो प्रॉफिट है वो 81% प्रॉफिट जो है जूम्स हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है, और इसीलिए इसका जो स्टॉक प्राइस है, लास्ट ट्रेडिंग डेज जो है फ्राइडे था, फ्राइडे में ये स्टॉक का जो प्राइस है ये 3% जंप्स ओवर हुआ है, 3% बढ़ चुका है ये स्टॉक का प्राइस। तो दोस्तों, और एक चीज में हम लोगों को नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में भी सेम है, इसका जो प्रॉफिट है 4776 करोड़ है, क्योंकि इसका जो ये बढ़ के हुआ है अभी 4776, और इसका जो एनपीए है मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। आप लोगों को अभी पता लग गया होगा कि मैं कौन सा स्टॉक्स का बात कर रहा हूँ। इसका जो एनपीए है, एनपीए का भी जो नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट है उसका भी जो है, उसका जो नंबर है वो भी, उसका जो परसेंटेज है वो भी कम हो गया। ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा है, उसका जो एनपीए है 5.44% हो चुका है जो भी पहले था 6.15%। तो इसका हम लोग अभी प्रीवियस डे का इसका कुछ डेटा अभी देख लेते हैं, जो एनएसई का डेटा है अभी आपको जैसा स्क्रीन में दिख रहा है, इसका प्रीवियस डे का हाई था 193.5 रुपीज, एंड इसका प्रीवियस डे का जो ओपनिंग प्राइस था वो था 192.5, एंड इसका प्रीवियस डे का लो था 186.05। इसका वीकली लेवल्स का मैं बात करूं तो इसका लास्ट वीक का हाई दिया था 199.1 रुपीज, ये वीक का हाई है 195.25 रुपीज, एंड लास्ट वीक का क्लोजिंग था 191.95, लास्ट वीक का लो था 188.75, एंड ये वीक का जो लो है वो 185.35 है। तो दोस्तों, इसका मैं मंथली लेवल्स का बात करूं तो ये मंथ का जो हाई है वो था 202.5, लास्ट मंथ का हाई था 197.5, और ये मंथ का लो था 178.6,
लास्ट मंथ का क्लोजिंग था 178.45 एंड लास्ट मंथ का लो था 163.35 और इसका 52 वीक्स लो लेवल्स का मैं बात करूं तो 52 वीक हाई जो था वो 351 था और 52 वीक लो था 149.45। तो दोस्तों ये हमारा कुछ लेवल्स है, ये लेवल्स देख के आपको स्टॉक का परफॉर्मेंस भी पता लग जाएगा। मैं अभी ये जो स्टॉक है इसका 1 वीक से लेके 5 साल तक का परफॉर्मेंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये स्टॉक का लेवल्स भी बताऊंगा, ये लेवल्स का जो है ये मतलब स्टॉक जो है 1 to 4 मंथ के अंदर कहाँ तक जा सकता है, कौन सा लेवल तक इन्होंने ट्रेडिंग कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट आप लोगों को हो सकता है। तो दोस्तों इसका 1 वीक का परफॉर्मेंस का बात करूं तो इन्होंने माइनस में रिटर्न दिया है -0.26%, 1 मंथ का परफॉर्मेंस है 7.28%, 3 मंथ का परफॉर्मेंस है 0.5% और 2020 का परफॉर्मेंस मतलब ऑलमोस्ट 7 मंथ का जो परफॉर्मेंस है वो -42.64%, जो भी कोरोना का पेंडेमिक के लिए सब स्टॉक बहुत ही बुरी तरीके से गिर चुका था, इसके लिए ऐसा रिटर्न देखने के लिए मिला है। और 1 ईयर का मैं परफॉर्मेंस का बात करूं तो -42.37%, 2 ईयर का परफॉर्मेंस है -34.77%, 3 ईयर का परफॉर्मेंस है -38.74% एंड 5 ईयर्स का जो परफॉर्मेंस है वो है -29.11%। तो दोस्तों ये स्टॉक जो है 1 वीक से लेके ऑलमोस्ट 5 ईयर्स तक का जो है नेगेटिव में रिटर्न दिया है, लेकिन ये स्टॉक के अंदर जो है बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। इसका जो एनपीए है उसका परसेंटेज भी अभी कम हो रहा है, जैसा कोरोना का पेंडेमिक चला जाएगा, लोन का जो मोरेटोरियम पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, तभी इसका एनपीए का परसेंटेज और भी कम हो जाएगा। और इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है क्वार्टर वन का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी 81% जूम किया है। तो ये स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो दोस्तों इसका मैं नंबर्स ऑफ शेयर्स का बात करूं तो इसके अंदर ये स्टॉक के अंदर 892 करोड़ का नंबर्स ऑफ शेयर्स है और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,70,861 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बहुत ही बड़ा स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर में, बहुत ही बड़ा बोलूंगा नहीं लेकिन बहुत ही अच्छा स्टॉक है, स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। दोस्तों इसका मैं बुक वैल्यू पर शेयर का बात करूं तो 233 है और इसका ईपीएस का बात करूं तो अर्निंग पर शेयर है 16.23 एंड पी रेशियो है 11.79, जैसा अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है। मैं सब कुछ आपको स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं, आपको इसमें से अच्छा फंडामेंटल जो है स्टॉक मिलने वाला है। ये स्टॉक को आप बाय करके रखेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा 1 to 4 मंथ्स का पीरियड में। दोस्तों इसका रिजल्ट का मैं बात करूं तो लास्ट 3 मंथ्स का रिजल्ट का बात करूं तो नेट सेल जो है वो 66,500 करोड़ का है। इसका 6 मंथ्स का बात करूं तो 1,26,950 करोड़ का नेट सेल्स है एंड लास्ट 1 ईयर का बात करूं तो इसका नेट सेल्स है 2,57,323 और इसका जो लास्ट ट्रेडिंग डेज था 31 जुलाई 2020 और ये 31 जुलाई 2020 में इसका जो डिलीवरी क्वांटिटी है 1,90,89,678 है, जो भी बहुत ही अच्छा है। इसका डिलीवरी परसेंटेज है 13.08% और ट्रेड क्वांटिटी भी आपको दिख रहा है, इसका मूवमेंट भी दिख रहा है 2.63% जो है मूवमेंट दिखाया इसका, जैसा Q1 का रिजल्ट अच्छा निकल के आया हुआ है। इसका मैं होल्डिंग का बात करूं तो प्रोमोटर ग्रुप जो है इसका अंदर प्रोमोटर ग्रुप ने 57.64% प्रोमोटर ग्रुप ने होल्डिंग रखा है। ऑल प्रोमोटर्स आर इंडियन प्रोमोटर्स एंड पब्लिक ग्रुप का बात करूं तो रेस्ट जो 42.36% है वो पब्लिक ग्रुप का है। उसके अंदर FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड FPI जो है इसके अंदर 7.91% है, नॉन इंस्टीट्यूशनल है 9.55% एंड DII है 24.70%। तो दोस्तों ये था हमारा जो है आज के लिए जो स्टॉक का मैं परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, ये स्टॉक का परफॉर्मेंस है।
ये स्टॉक का जो है मैं ऑलरेडी आपके साथ फंडामेंटल्स जो है बता दिया, फंडामेंटल्स आप लोगों के साथ शेयर किया और ये स्टॉक का परफॉर्मेंस भी आप लोगों को दिखाया। जो ये स्टॉक का नाम है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही एक अच्छा स्टॉक है, ये स्टॉक को आपको बाय करके रखना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ओनली फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ये स्टॉक का मैं बात कर रहा हूँ, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको जो है बाय करके रखना है। और मैं बता रहा हूँ ये जो है 1 मंथ टू 4 मंथ का पीरियड में ये स्टॉक जो लेवल्स में जा सकता है वो है 245 to 255 ये लेवल्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं और आपको जो है अच्छा खासा एक मुनाफा देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक, और ये स्विंग ट्रेडिंग का जो SBIN जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको आपको बाय करके रखना है। मैं स्टॉक का सब कुछ लेवल्स, इसका फंडामेंटल्स, इसका न्यूज, इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। और आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई भी स्टॉक को बाय करना है तो आप ये स्टॉक को बाय कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो का एक डिस्क्लेमर ये है कि आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको जरूर आपका फाइनेंशियल प्लानर से बात कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है कुछ डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो का और एक चीज, ये वीडियो का लास्ट में मैं एक चीज बता दूं, जो ऑन रिक्वेस्ट है हमारा जो है एक वीडियो में कमेंट आया था, जिन्होंने बताया था, जो अभी इस कमेंट जो है अभी आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है, कमेंट में बताया गया था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए वीडियो बनाइए। तो ये जो वीडियो का लास्ट में ये चीज मैं बता दूंगा, इसके लिए मैं पर्टिकुलर कोई अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए मैं जो बताऊंगा कोई भी इसका जो लेवल्स बता दूंगा, और इसको आपको रखना है किसी के पास भी इसका शेयर है आपको रखना है या सेल करना है, आपको होल्ड करना है या आपको सेल करना है, ये चीज का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि RBI ने एक डिसीजन लिया है ऑलरेडी, 6 बैंकों को जो है एक साथ उसको मर्ज करके उसका प्राइवेटाइज कर रहा है, तो उसके अंदर ये स्टॉक है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है अभी ऑलमोस्ट इस 17.95 to 18 के अंदर जो है इन्होंने क्लोजिंग दिया है लास्ट डे में, जो 31 जुलाई 2020 में। तो ये स्टॉक का जो मैं एक लेवल्स का बात करूं तो ये स्टॉक जब 19.20 का जो एक लेवल से इसको जो ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक में जो है अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो दोस्तों मैं यही सलाह दूंगा आपको, आपके पास ये बैंक का स्टॉक है तो आप इसको जरूर होल्ड करके रखिए, ये स्टॉक के अंदर भी अच्छा पोटेंशियल है, ये एक स्मॉल कैप शेयर है, तो आपके पास ये है तो आपके लिए ये एक प्रॉस है, आपके लिए ये एक एडवांटेज है कि आप इसको खरीद के रखा है। तो आपके पास ये स्टॉक है तो आप इसका लेवल्स को थोड़ा चेक करिए, ये 19.20 का लेवल्स को ब्रेक करता है तो ये स्टॉक को जो है हम लोगों को 23.5 तक का जो है इसका वैल्यू दिखने के लिए मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ये एक दिन में नहीं, 7 दिन में नहीं, 10 दिन के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्टॉक को आपको ऑलमोस्ट 4 to 5 months रखना पड़ेगा। आपको 4 to 5 months के अंदर ये स्टॉक में जो है 23.5 तक ये जा सकता है। लेकिन ये चीज मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कोई 7 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसको आपको जो है 1 महीने से 4 या 5 महीने तक रख सकते हैं, उसके बाद ये जो है इसका लेवल्स को आपको देखने के लिए ये लेवल्स मिल सकते हैं। तो आपके पास ये स्टॉक है तो आपके लिए ये स्टॉक ये बहुत ही एडवांटेज है। मैं जैसा पहले बताया कि बैंकिंग सेक्टर को जो है हमारा गवर्नमेंट ने RBI ने बहुत ही फोकस में रखा है, तो आपके पास ये स्टॉक है तो आपके लिए एडवांटेज है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सबके साथ शेयर कीजिए। और मैं जैसा हर दिन जो है आप लोगों के लिए इंट्राडे के लिए कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ, तो उसको आप लोग उसमें ट्रेड कीजिए, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और आपका फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, सबके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए।
इसमें क्या होगा, मेरा चैनल ग्रो होगा और मेरे को जो है थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए फ्री में कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, फ्री में इंट्राडे कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, फ्री में स्विंग ट्रेडिंग का कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों को ट्रेडिंग में जो है प्रॉफिट कमाने में हम लोग बहुत ही अच्छा कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को तो भी थोड़ा फर्ज बनता है कि हमारा चैनल को थोड़ा ग्रो किया जाए और हमको जो है थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा इसमें। तो दोस्तों आप लोग ये चैनल में नया है तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा आपका मेल में या आपका ऐप में।